हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं कृष्ण और आप देख रहे हैं ट्रेवलिंग इंडिया ब्लॉग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करें इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आज आया हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ लोगों का मानना है कि एक आत्मा दिन में भी घूमती है। ऐसा तो माना जाता है कि रात में ही आत्माएं दिखाई देती हैं, लेकिन यहाँ पर दिन में ही दिखाई देती है। तो मैं आया हूँ और देखता हूँ, कुछ इशारों में बात करने की कोशिश करेंगे उससे, तो देखते हैं क्या होता है। अभी आ गए हैं उसी स्थान पर, तो अंदर चल रहे हैं और दिखाते हैं आपको क्या सच में है या नहीं। अगर है तो बात करने का प्रयास करेंगे, तो देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं उस स्थान पे। आप देख चुके हैं कि ये जंगल है, बम्बू जिसे हम बांस कहते हैं, ये उसी का कोट है और इसी के आसपास लोगों को दिखाई देता है। तो हम इसी स्थान पर आए हैं और देख रहे हैं कि क्या सच में है या नहीं है। तो मैं दिखा दूँ आपको, चारों ओर एकदम जंगल सा है, तक बांस की कोठा है। हेलो फ्रेंड्स, तो आप सोच रहे होंगे कि मैं तो था जंगल में भूत की तलाश में, तो डायरेक्ट यहाँ का सीन कैसे आ गया। तो दरअसल हुआ ये कि मैं जैसे ही शूट करने वाला था, पीछे से एक जोर का हवा आया और मैं काफी डर गया दोस्तों, और भागा भागा सीधे अपने घर पे चला आया। तो वहां का शूट नहीं कर पाया, तो अभी मैं घर पे आया हूँ और चल रहा हूँ छत पे, और फिर आपको दिखाता हूँ अपने छत से अपने गांव के आसपास का इलाका। काफ़ी बढ़िया नज़ारा लगता है हमारे घर से भी। तो मैं दिखा रहा हूँ, मेरा घर जो है गांव के एकदम बाहर है। मैं थोड़ा दिखा दूँ बैक कैमरा। दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे घर से दूर दूर तक कितना बढ़िया व्यू जा रहा है। मेरे घर एकदम बाहर है, तो घर के बाहर एकदम दिखाई दे रहा है, पूरा एकदम खेत का इलाका है। अभी ये सब गन्ना बोए गए थे, आप देख रहे होंगे गन्ना कट गया, अब फिर से थोड़ा सा निकल रहा है अंदर से, और उधर अभी नया गन्ना रोपा गया और बाकी सब गेहूँ है। तो काफ़ी अच्छा व्यू है दोस्तों, गाँव के बाहर है मेरा। अभी मैं छत पर हूँ और छत के पीछे आप देख सकते हैं ये मेरा घोटा है, और ये मेरी भैंस है और बछड़ा है, वहीं पर खाती है। और ये जो है गांव का व्यू है दोस्तों, आप देख सकते हैं कुछ खास नहीं है, फिर भी जो है हमारा गांव प्यारा सा गांव है, इसमें पेड़ कूट है। तो चलिए आगे दिखाते हैं आपको ब्लॉग में क्या होता है। तो अभी मैं चल रहा हूँ नीचे, क्योंकि भैंस को चारा खिलाने का समय हो गया है। तो चलते हैं, उसको बांधते हैं और चारा खिलाते हैं। मैंने इनको बांध दिया है, इनको चारा डाल दिया है, एक इधर है, फिर जा रहे हैं। खाओ खाओ खाओ। तो ये लोग चारा खा रहे हैं। हेलो गाइस, तो मैं अभी सो गया था दिन में 2 घंटे के लिए, अभी बाज रहे हैं शाम के 5, और अभी मुझे प्यास लग रही है तो पानी पी के और फिर निकलते हैं बाहर, देखते हैं क्या नज़ारा है। अभी 5 बज रहे हैं, तो स्कूल से लड़की लोग आ गए होंगे, तो मिलवाते हैं उनसे आपको। चलिए सीधे चलते हैं बाहर।
अब चल रहे हैं बाहर, मिलवाते हैं फूल हैंडल से। तो बाहर घुमाया मैंने, बच्चा लोग गेम खेल रहा था, वो गोली खेल रहे थे, कंचे जिसे कहते हैं हम लोग। तो आज बहुत कुछ घुमाया मैंने आपको, तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।